हमारे जीवन में कब किस तरह की परिस्थिति आ जाए, इस पर हमारा कोई काबू नहीं होता। काबू अगर हम कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि हम उस परिस्थिति में किस तरह से पेश आएंगे, किस तरह उस परिस्थिति को अपनी शक्ति बनाएंगे, बजाय इसके कि हम उससे टूट जाएं या बुरा महसूस करें। उस शक्ति को पाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर विवेक ज्ञान हो। परिस्थिति ना अच्छी होती है ना बुरी, होता है तो सिर्फ हमारा विवेक, जो हमें महसूस करवाता है कि मैं किसी भी स्थिति में अपने आप को उससे उभार भी सकता हूँ और उससे फ़ायदा भी उठा सकता हूँ। हर परिस्थिति में कोई अच्छाई छुपी होती है, ज़रूरत है तो उसे ढूंढने वाली आँखों की। इस विवेक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है ध्यान की। तो चलिए आज के हम ध्यान में एक नया तरीका सीखते हैं। अपनी कमर को सीधा रखते हुए कोई एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, हथेलियों को अपनी गोद में रख लें और आज हम अपने श्वास से अपने मन को नियंत्रण में लाएंगे। इस प्रक्रिया को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। हमें श्वास इस तरह से लेनी है कि हम पहली 4 गिनती तक सांस को अंदर भरें, अगली 7 गिनती तक हम उसे रोकने की कोशिश करें और अगली 8 गिनती के लिए हम उस सांस को बाहर जाने दें। यानी जितनी देर आपने सांस अंदर खींची है उससे दुगनी अवधि में आपको उसको बाहर जाने देना है, और सांस को हमेशा मुंह से बाहर छोड़ें जब भी आपको अपने आप को शांत करना हो, ध्यान की स्थिति में लाना हो। तो शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान ले आइए, रोकिए इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सांस को अब मुंह से बाहर जाने दीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और बार हम इसे करेंगे। एक सांस लेते जाइए अंदर 3, 4 रोक लीजिए 2, 3, 4, 5, 6। सांस को बाहर छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और लंबी गहरी सांस भरिए 2, 3, 4 रोक लीजिए 2, 3, 4, 5, 6। मुंह से सांस को बाहर जाने दीजिए 2, 3, 4, 5, 6 और रिलैक्स, शांत हो जाइए, पूरी तरह से शांत हो जाइए। अब सांस जैसे भी आ रही है उसे आने दीजिए और ध्यान ले जाइए अपने नाक के सबसे आगे वाले हिस्से पर। किस तरह से सांस आपकी नाक में दाखिल होकर आपके दिमाग तक जा रही है, आपके माथे में घूम रही है, और सांस को मुंह से छोड़ते हुए देखिए कि आपके कंधे नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल हल्का होता जा रहा है शरीर। सांस को दोबारा भरते हुए देखिए कि वो शरीर के हर हिस्से में फैले जा रही है, कमर में, छाती में, पेट में, हाथों में, पैरों में, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ ये सांस जा रही है वो सारा हिस्सा साफ होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है। ध्यान दे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या आवाज़ें मेरे आसपास चल रही हैं, और हर आवाज़ आपको और गहरे ध्यान में लेती जाएगी। अपनी आँखों की पुतलियों को बंद ही रखते हुए भौंहों की तरफ ले जाएं, अपनी तीसरी आँख पर, और देखिए कि आपके सर के ठीक ऊपर वाले हिस्से पर किस तरह महसूस हो रहा है। अपने ऊर्जा क्षेत्र को महसूस कीजिए कि मेरे शरीर के चारों तरफ किस तरह हवा मुझे छू रही है। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए देखिए आपके सर के ऊपरी भाग से एक ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है आपकी उस तीसरी आँख पर, और आपके दिमाग में सारी गतिविधियों को शांत कर रही है।
किसी भी तरह का काम आपका दिमाग कर रहा है तो वह पूरी तरह से शांत हो चुका है और अब ये सांस और नीचे आ रही है, ये ऊर्जा नीचे आ रही है तो आपके गर्दन को, गले को, हृदय चक्र को, छाती को बिल्कुल शांत करती जा रही है। किसी भी तरह की भावना को अपने अंदर ना समाने दें, इसको एक तीसरे व्यक्ति की तरह दूर से देखें कि मेरा शरीर किस तरह से इस समय शांत है। देखिए कि जैसे आप अपने शरीर को बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं और कितना निर्मल लग रहा है ये पल। पूरी तरह से शांत हो रहा है आपका शरीर और अब ये ऊर्जा आपके पेट में जा रही है, नाभि से नीचे आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक पहुंच रही है और अब ये धीरे धीरे आपके पैरों में जाते हुए ज़मीन में समा रही है, पूरी सृष्टि से आपको जोड़ रही है। जिस तरह एक पेड़ की जड़ें धरती से ऊर्जा लेती है, उसी तरह से हर परिस्थिति में आप इस धरती से जुड़े रहेंगे और स्वयं को पोषण देने के काबिल रहेंगे। सर के ऊपर के हिस्से पर फिर से ध्यान ले जाएं और देखिए कि ये जो दिव्य प्रकाश आपके सर के ऊपर है किस तरह आसमान तक जा रहा है और आसमान से फैलकर पूरी धरती से जुड़ रहा है। आपका आभा मंडल और बढ़ता जा रहा है, आप सबसे जुड़े हुए हैं और आप सबको उनके सबसे संपूर्ण, सबसे शांत, पवित्र रूप में देखने के काबिल हो रहे हैं। आपके अंदर वो दूरदृष्टि और बढ़ रही है जिससे आप हर परिस्थिति का कारण समझ पा रहे हैं। उस परिस्थिति से अब आप हर वक्त फायदा उठा सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने चारों ओर उस ऊर्जा शक्ति को और बेहतरीन होने दें और बढ़ने दें और प्रबल होने दें और देखिए आज आप जहां भी जाएंगे ये ऊर्जा शक्ति आपको समेटे हुए हैं और हमेशा आपको शांत चित रख के हर परिस्थिति में बेहतरीन होने का मौका देगी ये। अब धीरे धीरे हम अपने शरीर में वापस आएंगे। अपना ध्यान अपने पैरों पे, हाथों पे वापस लाते हुए हम धीरे धीरे अपने भौतिक जीवन में जाने के लिए तैयार हैं। सांस पर नियंत्रण और अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इसे अपनी आँखों पर रखते हुए आंखें खोलिए। मुस्कुराते हुए स्वागत है आपका वापस। इस ध्यान को आप पूरे दिन अपने साथ रखें। ये सांस लेने का तरीका आप दिन भर कभी भी प्रयोग कर सकते हैं।